फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीरीज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से आज के डेट में कितना दिन, महीना और साल हुआ है इस चीज़ को निकालने के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे लिखा गया है कौन सा मंथ कितने दिन का होता है इस चीज़ के बारे में। यदि आप कौन सा मंथ कितने दिन का होता है इसे निकालने में असमर्थ है, तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी मंथ में कितने दिन होता है इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए अपने कोई भी हाथ के मुट्ठी को बंद करें। बंद करने के बाद आपका जो ये उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग 31 दिन का होता है और ये जो धंसा हुआ भाग है ये 30 दिन का होता है। पुनः उठा हुआ भाग जो है 31 दिन का होता है और धंसा हुआ भाग 30 दिन का होता है। और उठा हुआ भाग पुनः 31 दिन का होता है और धंसा हुआ भाग 30 दिन का होता है। ठीक, इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हैं कि उठा हुआ भाग 31 दिन का होता है और धंसा हुआ भाग जो है सो 30 दिन का होता है। अब यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं जनवरी, तो जनवरी उठा हुआ भाग से शुरू कर हो रहा है, तो इसका मतलब जनवरी 31 दिन का होता है। फरवरी धंसा हुआ भाग पर जा रहा है, इसलिए फरवरी 30 दिन का होगा। चूंकि फरवरी 30 दिन का नहीं होता है, तो इसे एक अपवाद लेके चलते हैं और इसके विषय में आपको बाद में बताते हैं। फिलहाल फरवरी को छोड़ के आप आगे गिनती कीजिए। मार्च उठा हुआ भाग पे आ रहा है, तो इसका मतलब मार्च 31 दिन का होता है। अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का होता है। इस प्रकार आप आसानी से इसे कलेक्ट कर सकते हैं और गिनती कर सकते हैं। तो चलिए जैसे कि हम देख लेते हैं कि अगस्त 31 दिन का है, तो हम इस पर गिन के देखते हैं कि 31 दिन होता है अथवा नहीं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इधर अगस्त। तो आप देख रहे हैं अगस्त 31 दिन का हो गया। इसी प्रकार आप आसानी से कौन सा मंथ कितने दिन का होता है इस चीज़ के बारे में आप निकाल सकते हैं। साथ ही अब आपको बताते हैं कि फरवरी में 28 दिन या फिर 29 दिन कैसे होता है इस चीज़ के बारे में। तो आपको हम बता दें कि वैसा वर्ष जो चार से पूरा पूरा कट जाए, वैसे वर्ष में फरवरी का दिन 29 दिन का होता है। यदि चार से भाग देने पर उसमें शेष यदि कुछ भी बच जाए, तो वैसे ईयर जो है उसमें 28 दिन का होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि 2018 जो है इसे फरवरी 28 दिन का है या फिर 29 दिन का। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 2018 और इसे हम भाग देंगे चार से। तो आप देख रहे हैं नीचे में शेष बच रहा है दो, तो इसका मतलब फरवरी का जो महीना है 2018 में ये होगा 28 दिन का। ठीक उसी प्रकार 2019 में भी 28 दिन का ही होगा फरवरी। और 2020 को अगर लेके चलते हैं हम, तो 2020 में यदि हम भाग देते हैं चार से, तो आप देख रहे हैं इसका शेष जो है कुछ नहीं बच रहा है और पूरा पूरा यहाँ कट गया अर्थात शेष नहीं बचा। तो 2020 में जो फरवरी मंथ होने वाला है वो 29 दिन का होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है इस चीज़ के बारे में। अब चलते हैं कि आपको हम अपने डेट ऑफ बर्थ से एज कैसे निकालते हैं, कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हुआ है आपके आज के डेट में। तो इसके बारे में, इसके लिए आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ से आप महीना ज्ञात करना चाहते हैं, दिन ज्ञात करना चाहते हैं, उस डेट ऑफ बर्थ को आप ऊपर में लिखें। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/1/1992 है और हम आज के डेट में 22/4/2018 के डेट में हम अपना उम्र निकालना चाहते हैं कि कितना वर्ष, कितना दिन और कितना महीना हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। आप यदि अपने डेट ऑफ बर्थ से
आज की डेट में कितना उम्र महीना और दिन हुआ है इसे निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आज का जो डेट है वो उसे आप ऊपर में लिखें, लेकिन सबसे पहले आपको लिखना होगा दिन, तारीख, और उसके बाद लिखना होगा मंथ, और उसके बाद आपको ईयर लिखना है, यानी उल्टा लिखना है आपको, और आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे भी आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे ये लिखे हैं, पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ मंथ लिखेंगे, और यहाँ पे ईस्वी लिखेंगे, और इसे हम माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ है 22, यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा 19, 4 में से एक गया, हो गया यहाँ पे 3, 6 और 2। तो आज के डेट में हमारा उम्र हो रहा है 26 साल 3 महीना और 19 दिन। यदि किसी कंडीशन में यदि नीचे वाला डेट ऊपर वाले डेट से बड़ा हो जाए तो उसे कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसके लिए मान के चलिए आज के डेट में 2018 4 22, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 23, यहाँ पर लिखते हैं 5, और यहाँ लिखते हैं 1995। तो चलिए इसे हम सबट्रैक्ट करके जान लेते हैं कि हमारा कितना दिन और कितना वर्ष हो रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि चौथे महीना में, क्योंकि 22 में से 23 माइनस नहीं होगा, तो हम इधर से एक हासिल लेंगे और इसमें जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं चौथे महीना से यदि एक मंथ यदि इसमें आ रहा है, तो चौथे महीना में यहाँ देखेंगे कि ये कितने दिन का था, तो चौथे महीना में देख रहे हैं कि 30 दिन का चौथा महीना होता है, तो हम 30 जो है यहाँ पे इंटर करके और इसे हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद इस दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, अब तो 2 और 3 और 2 5, और इस 52 में से इस 23 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ बच रहा है 3, क्योंकि एक इसमें आ गया है तो यहाँ बच गया 3, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। और इस वर्ष वाले में से एक वर्ष इसमें आता है अगर जुड़ने के लिए, तो यहाँ पे 12 मंथ जुटेगा, क्योंकि वर्ष से निकल रहा है और एक वर्ष में 12 महीना आ रहा है, तो एक वर्ष यहाँ से हम अगर इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ 12 मंथ आ जाएगा, और पहले से 3 मंथ था तो 12 और 3 15 हो गया, और 15 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 10, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 11, 11 में से 9 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इस प्रकार आज के डेट में हमारा एज हो रहा है 22 वर्ष 10 महीना और 29 दिन। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से किसी भी ईयर से आप आज के डेट में अपना वर्ष महीना और दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि इसे समझने में आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, हम आपको फिर से इसे समझाने का प्रयत्न करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसे समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।